नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में दो मुख्य पॉइंट्स आईटीआई अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के लिए क्लियर किए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनको इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इन दो पॉइंट्स को तो मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर करूँगा। इसके अलावा एक पॉइंट और है जो मैं स्लाइड में डालना भूल गया, मेरे माइंड में बाद में आया, उसको जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे एंड में क्लियर कर दूंगा। टोटल तीन पॉइंट है मेरे पास। और कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर जी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, बहुत परेशान हो गए, हमने अप्रेंटिसशिप भी कंप्लीट कर लिया है, तो इस पर एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। डू नॉट टेक टेंशन, अपनी साइड से थोड़ा सा और जो है मैं देख लूँ चीज़ें, रिसर्च कर लूँ क्या है इम्पैक्ट, आरटीआई देख लूँ, आरटीआई का रिप्लाई किस तरीके से आता है, देन मैं आप लोगों को प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, हमने थोड़ी सी लाइटिंग और इम्प्रूव कर दी है। आने वाले समय में जो आईटीआई की क्लासेस होगी, इस पर मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स के लिए, उस पर और इम्प्रूवमेंट के साथ आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आईटीआई वाले बच्चों तक शेयर कर देना, अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों तक शेयर कर देना, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखा जिन तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचती नहीं है, और वो बच्चे जो है आगे चल के गलतियाँ कर देते हैं। मेरे पास कल एक फ़ोन भी आया और कल एक जो है मेरे पास ईमेल भी आया, मैं अभी उसकी चर्चा आप लोगों के लिए करूंगा, पहले ये पॉइंट क्लियर कर देते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई नौकरी का फॉर्म आप लोग फिल करते हैं, फॉर्म कोई भी नौकरी का फॉर्म फिल करते हैं, अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल करते हैं, आप लोग अपनी टेंथ की मार्कशीट को देखते हैं। मैं हर स्टेट की बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ स्टेट में आप लोगों को एडिशनल सब्जेक्ट भी दिया होता है, ये एडिशनल सब्जेक्ट, और डिपार्टमेंट जब तक आप लोगों को बोलता नहीं है कि आप लोगों को एडिशनल सब्जेक्ट नहीं डालना, तब तक आप लोगों को ये एडिशनल सब्जेक्ट साथ में लेके चलना पड़ेगा। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चों को देखा है जिनका रिटर्न क्लियर हो गया, जिनका ट्रेड टेस्ट क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन अंत में आते आते डीवी के टाइम पर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने मार्क्स की परसेंटेज को गलत डाला था इस एडिशनल सब्जेक्ट की वजह से। आप लोग रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल करते हो, किसी भी डिपार्टमेंट की अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल करते हो, यहां पर भी मैंने ऐसी संख्या में बच्चों को देखा है जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं जब वो डीवी के टाइम पर जाते हैं। रीजन, डिपार्टमेंट ने मांगे थे सारे सब्जेक्ट, बच्चे ने एडिशनल सब्जेक्ट को इंक्लूड ही नहीं किया। तो ध्यान रखना, जब तक डिपार्टमेंट आप लोगों को अपनी तरफ से इन्फॉर्म ना करे कि आप लोगों को एडिशनल सब्जेक्ट नहीं डालना, तब तक आप लोगों को एडिशनल सब्जेक्ट डाल के चलना पड़ेगा। अगर डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं करता कि आप लोगों को जो है एडिशनल सब्जेक्ट डालने हैं, या फिर जो है आप लोगों को बेस्ट फाइव या बेस्ट फोर डालने हैं, तो ये समझिए आप लोगों को एडिशनल सब्जेक्ट को साथ में ऐड करके चलना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे होते हैं जो ये एडिशनल सब्जेक्ट इसलिए नहीं डालते क्योंकि उनको लालच है। अगर वो रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर वो ये सब्जेक्ट डाल देंगे तो उनकी परसेंटेज जो है यहां पर कम हो जाएगी, मतलब उनकी परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी अगर ये सब्जेक्ट नहीं डाल के आप लोग जो है खाली ये डाल देंगे। मैंने ऐसे बहुत बड़ी संख्या में बच्चे देखे हैं, और कुछ बच्चे गलती से ऐसा काम कर देते हैं और कुछ बच्चों को पता ही नहीं है, ठीक है। तो जीवन भर आप लोग याद रखना, कभी भी आप लोग फॉर्म फिल करते हैं किसी भी नौकरी का, किसी भी अप्रेंटिसशिप का, ये मोस्टली मैंने लेके चला है बीएससीबी वाले बोर्ड के लिए। बीएससीबी बोर्ड के साथ ये समस्या बहुत ज़्यादा है, उन बच्चों को नॉलेज नहीं है। तो आज मैं बता दूं, आप लोग रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल कर रहे हो, किसी भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल कर रहे हो, किसी भी नौकरी का फॉर्म फिल कर रहे हो, आप लोगों को ये बेस्ट फाइव या बेस्ट फोर ना लेके आप लोगों को साथ में एडिशनल सब्जेक्ट भी लेके चलना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी, और एडिशनल सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, मैथ्स भी हो सकता है, साइंस भी हो सकता है, वो आपकी मार्कशीट पर मैंशन होगा। जिन बच्चों की मार्कशीट पे एडिशनल सब्जेक्ट करके मेंशन नहीं है या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करके मेंशन नहीं है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आप जो है एज इट इज अपना डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। मैंने बीएससीबी का उदाहरण इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास कंप्लेंट सबसे ज़्यादा यहाँ से आती है, और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की मेरे पास कंप्लेंट ज़्यादा आती है। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी यार, क्योंकि समझाना आप लोगों को जरूरी है, बिना समझाए काम नहीं चलेगा। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आप लोगों को आगे चल के परेशान कर सकता है। मेरे पास एक परसों कॉल आया था एक बच्चे का, बच्चा बोलता है सर जी गलती से मैंने ना आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन कर ली,
मैंने सोचा कि मेरी दो दो क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और मैं चाहूंगा कि आगे चल के अगर ग्रेजुएशन बेस की नौकरी आती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं रेलवे में ग्रेजुएशन बेस की नौकरी आती है जिसमें साथ साथ आईटीआई भी मांगा जाता है, तो बच्चे बोलने लग गए, वो लड़का बोलने लग गया कि सर जी मैंने तो यही सोचा था कि मैं आईटीआई कर लेता हूँ ग्रेजुएशन के साथ और जो है मेरा यहाँ पर काम बन जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। आप लोग अगर आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के साथ आईटीआई कर लेते हैं तो वो आप लोगों का एक तरीके का इलीगल काम है। आप लोग दोनों डिग्री को एक साथ यूज नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने गलती से भी एक साथ दोनों डिग्री को यूज कर लिया तो आप लोगों का इलीगल एक्शन वहां पर हो जाएगा, हो सकता है आपको पेनल्टी भी देने पड़े और जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आपका रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल गलत होगा। हाँ, आप लोग ने ग्रेजुएशन कर ली और आईटीआई भी साथ साथ कर ली तो आप लोग दोनों में से एक डिग्री एक ही जगह यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं यह पॉइंट क्लियर होगा। दोनों में से एक डिग्री को एक ही जगह पर आप लोग यूज कर सकते हैं, या तो ग्रेजुएशन कीजिए जहां पे ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, या आईटीआई कीजिए। लेकिन जिस दिन ऐसी नौकरी आ गई कि आप लोग जो है ग्रेजुएशन के साथ साथ आईटीआई भी मांगा है डिपार्टमेंट ने, तो यह चीज नहीं चलेगी। ठीक है, ग्रेजुएशन अलग पीरियड में होने चाहिए, आईटीआई अलग पीरियड में होने चाहिए। और ये ऐसा हर चीज के साथ हो सकता है। आप 12th के साथ ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, 10th के साथ ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो क्वालिफिकेशन पे आप पहुंच नहीं पाओगे। तो ध्यान रखना मेरी बात का सॉरी आप लोग जो है जीवन में ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको मतलब आगे चल के ग्रेजुएशन और आईटीआई दोनों बेस पे नौकरी चाहिए, मतलब आप लोगों की दोनों ऐसी नौकरी निकलती है जहाँ पे दोनों चीज़ें मांगी गई है, लेकिन आप लोग एक साथ उस चीज़ को नहीं करेंगे। अगर आपको यही करना है कि आप लोग जो है यहाँ पर बस नॉलेज के लिए करना चाहते हैं, तो नॉलेज के लिए आप लोग जो है आईटीआई विद ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन विद आईटीआई कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इस चीज़ का पॉइंट आप लोगों का क्लियर होगा, अब ये समस्या आप लोगों की नहीं आएगी। लेकिन फ्यूचर में मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ आईटीआई मत कर, मेरी रिकमेंडेशन यही है। और क्योंकि बहुत सारी नौकरियां ऐसी है जहां पर ग्रेजुएशन के साथ आईटीआई मांगा जाता है, इसलिए मेरी ये पर्सनल रिकमेंडेशन है। बाकी अप टू यू, आपकी चॉइस है। आप लोग कर तो सकते हैं लेकिन दोनों डिग्री को एक साथ यूज नहीं कर सकते। अब एक पॉइंट और है हम लोगों का, यार बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ही बड़ी संख्या में मेरे पास ये इशू आता है। कल एक बच्चे का मेरे पास मेल आया, उस बच्चे ने मुझसे प्रॉपर बोला कि सर जी आपकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग, आपके कंटेंट की वजह से हमारा जो है BSF में सिलेक्शन हो गया। मे बी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उस बच्चे का ईमेल मेरे पास आया है। उस बच्चे का मेरे पास ईमेल आया, बोलता है कि सर जी मेरा BSF में सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैंने एक काम कर दिया, मैंने जो है वहाँ पर अप्रेंटिसशिप को एज ए एक्सपीरियंस मेंशन कर दिया। तो सर जी मुझे ये बता दीजिए कि मेरा जो है वहाँ पर डिपार्टमेंट फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं करेगा, तो मेरे को मिल नहीं रहा ईमेल, जैसे ही मेरे को मिलता है तो मैं किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जो उस बच्चे ने मेरे को ईमेल किया है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरे को जैसे ही मिलता है मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ को ज़रूर शेयर करूंगा। अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, मेरे को उसको अच्छे तरीके से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो उस बच्चे ने मेरे को बोला कि सर जी मेरा BSF में सिलेक्शन हो गया, क्या मैंने जो अब जो है अप्रेंटिसशिप यूज़ कर ली एज ए एक्सपीरियंस, मेरा फॉर्म डिपार्टमेंट तो रिजेक्ट नहीं करेगा। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, जीवन में ध्यान रखना, जो आप लोगों की अप्रेंटिसशिप होती है वो एक ट्रेनिंग होती है, उसे एज ए एक्सपीरियंस आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। आप लोगों को एक्सपीरियंस ही चाहिए होता है। हाँ, वो बात अलग है, अभी ECL के फॉर्म निकले हाल ही में, डिपार्टमेंट ने NAC वहाँ पे कंपलसरी मांगा था, लेकिन कॉलम दे रखा था कंपलसरी भरने का एक्सपीरियंस का, तो उस केस में आप लोग डाल सकते हैं। लेकिन जब तक डिपार्टमेंट ऐसी गलती नहीं करता, जब तक डिपार्टमेंट आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं करता, तब तक आप लोग अप्रेंटिसशिप को एज ए एक्सपीरियंस मेंशन नहीं करोगे। अगर ऐसा करोगे तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर फॉर्म गलती से एक्सेप्ट भी हो गया तो डिपार्टमेंट जो है आप लोगों को आगे चल के परेशान कर देगा। अब रही बात उस BSF वाले बच्चे की, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपना DV करवाने जाइए। मैं तो आपका नाम भी मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, आप अपना DV करवाने जाइए। और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, अगर आपका डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता जो आपका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से BSF का जो है एग्ज़ाम निकाला है, अगर डिपार्टमेंट आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करता, हम्बल रिक्वेस्ट है एक बार मुझे इन्फॉर्म जरूर करना, ताकि
इन बच्चों को जो है मैं आगे चल के उस चीज़ का कम्युनिकेशन दे सकूँ। आशा करता हूँ ये जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई है इस पर आप अच्छे तरीके से क्लियर होंगे और गौर भी करेंगे जो मैंने आप लोगों को जो है यहाँ पर चीज़ें बताई है। और आगे चल के आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग बहुत कुछ आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आईटीआई वाले बच्चों को आगे चल के किसी प्रकार की समस्या ना हो। बाकी हम लोग सेंटर पे डीआरडीओ के 6 तारीख को आप लोगों को मिलेंगे और हमने जो बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को अपने घर पर बुलाया है ताकि वो बच्चे स्टे कर सकें, उनको वेलकम है भाई हमारा। और जो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आ गया है, एक कमेंट में जो है मेंशन कर देना कि सर जी हमने अंत तक वीडियो देखी है, अच्छी लगी या बुरी लगी फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे देना। और किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को है, आप लोगों को ऐसा चाहिए बस मुझे ये मेंशन कर देना कि सर जी हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट में अपना पूरा टॉपिक मेंशन कीजिए कि सर जी हमें ये समस्या है ये समस्या है, आप प्लीज़ मुझे मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर मुझे लगा कि ये टॉपिक वीडियो बनाने लायक है बनाऊंगा, अगर लगा कि ये टॉपिक जो है सिर्फ Q&A में मेंशन करने लायक है तो Q&A की जो वीडियो आप लोगों के लिए कभी कभी लेकर आता हूँ उसमें पॉइंट ऐड कर दूंगा। और बाकी यही है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप लोग जुड़े रहिए, तैयारी आप लोगों की DRDO की बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आगे भी आप लोग इसी तरीके से बढ़ते रहिए ताकि आप लोगों को सफलता मिलते रहे। धन्यवाद।